हालात बुरे थे मगर रखती थी अमीर बनाकर, कौन? माँ। लेकिन गरीबी क्या होता है वो माँ बहुत अच्छे से जानती थी, और ये बात मिडिल क्लास फैमिली नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो बस घर में रहकर पॉलिटिक्स करता है, नेता के तलवे चाटता है। लेकिन एक बार गरीब मजदूर बनकर देखना, तब समझ में आएगा जमीन आसमान का अंतर। पाँव के नीचे से ना जमीन जो है वो हट जाएगा। 1200 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे पर उसके बाद बच्चे को जन्म देती है एक मजदूर माँ। अभी न्यूज़ देखे होंगे ना कभी, अपने माँ बहन को उस रूप में सोच कर देखना, इमेजिन करना, तब समझ में आएगा घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, नेता के चापलूसी करने में कितना अंतर है, और सही मायने में दर्द को झेलने में। क्लास को स्टार्ट करूंगा, हो सकता है बात कड़वी लगे, क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज कवर करूंगा 27 मई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। डेली सुबह में 4:30 बजे ये क्लास चलता है, और जितने करंट अफेयर मैं आपको करा दे रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, पढ़ कर जाना, लास्ट कम से कम 3-4 महीने का। आप नहीं बोल सकते, आप कम से कम आप मायूस नहीं होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। उसके पहले बोलूँगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। लेकिन वहाँ से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले 1 साल तक हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप सभी देख। आज का पहला प्रश्न है, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने देश के किस प्रसिद्ध मंदिर के सोलराइजेशन के लिए एक योजना शुरू की है, आपको ये बताना है। और ये शुरू किया गया है जो आपका उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर पड़ता है ना, उसके लिए। वहाँ पर जितने कुछ भी है सबको सोलर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ये बोल सकते हो। और ये कोणार्क सन टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, एकमात्र भारत का मंदिर है जो सूर्य मंदिर है, कहाँ पर, सबसे फेमस उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम कौन है, आपके नवीन पटनायक। अगर बात करूँ राज्यपाल कौन है, तो कौन है वहाँ के, गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भुवनेश्वर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है, ये आपको बताना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दीदी व्हीकल सर्विस शुरू किया गया है जिस राज्य में, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, वो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। और ये चालू किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगर वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन है। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछ दे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, वो किस राज्य में शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बाबा रामदेव बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बाबा तो नाम का लगता है इनके आगे। बाबा रामदेव के पतंजलि ने स्वदेशी वस्तुओं और देश के निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बाबा कम बिजनेसमैन ज्यादा हैं, याद रखिएगा, सही बात है। आप इनका इतिहास उठाकर देख लेना, क्या क्या बोलते थे देश को लेकर, और आज क्या बोल रहे हैं, अचानक से बोली जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। आप देख लेना, पूरे प्रमाण के साथ वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अभी एक नया ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ से ये अपना बिजनेस को बढ़ावा दे सकेंगे। क्या नाम है, ऑर्डर मी, ये इनका ई कॉमर्स कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ से अपना सामान बेचेंगे, और नाम दिया है क्या, स्वदेशी वस्तु, ठीक है, देश का वस्तु को बेचेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग से संबंधित स्मृति हानि या अल्पकाल नुकसान को कम करने के लिए नए तरीके खोजे हैं, किस संस्थान ने खोजा है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रेटिंग एजेंसी जो है आपका ICRA के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 21 में कितने प्रतिशत तक
अनुबंध करने की संभावना है, तो 5% तक जो पहले अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 1-2% तक, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया है अभी 5% तक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आपका कार्मेन राइनहार्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर विश्व बैंक की बात की जाए तो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है अभी? तो आप बोलेंगे डेविड मालापास, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं गठन कब हुआ था इस बैंक का, तो आप बोलेंगे जुलाई 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुख्यालय विश्व बैंक का? तो आप बोलेंगे वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में पड़ता है वहां पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा MSME को पुनर्जीवित करने और प्रभावित लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए एक योजना शुरू की, उसका नाम क्या है? आपको यह बताना है। और उसको नाम दिया गया है रीलॉन्च, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, और एक बात, इस योजना के तहत ना 1110 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे। कितना करोड़ रुपए निवेश करेगी आंध्र प्रदेश सरकार? तो 1110 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कितना? 1110 करोड़ रुपए, ताकि MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो सेक्टर है उसको दोबारा से उठाया जा सके। अगर बात करूं आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अमरावती। और राज्यपाल कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इस योजना के तहत आपको पता है जितने भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनको पेंशन दिया जाता है LIC के द्वारा। अगर कुछ पैसा वगैरह वहां पर जमा करते हैं इस योजना के तहत, तो उनको क्या पेंशन के रूप में दिया जाएगा कुछ पैसा, ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा हो पाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये जो योजना है इसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? यहां पर देखो पूछा क्या है आपसे, इस योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो 3 साल के लिए, यानी मार्च 2023 तक इस योजना को और बढ़ा दिया गया है। तो आपके घर में जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इनके बारे में जानकारी दीजिएगा, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। 7.4% का आपको रिटर्न दिया जाएगा, जो आपको बैंक भी नहीं दे रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को लाल और गैर लाल क्षेत्रों में, एरिया में विभाजित किया है? किस राज्य ने? आप सभी को पता है अभी COVID-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी के वजह से पहले 3 एरिया में बांटा गया था, आप सभी को पता है, लाल, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। लेकिन बाद में इसको 5 भाग में बांटा गया सेंट्रल के द्वारा। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि अभी उनके एरिया को 2 भागों में बांटा जाएगा, लाल और गैर लाल में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी केसेस बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी देखो मैं बराबर बोलता हूं, अगर केस बढ़ रहा है, अगर टेस्टिंग ज्यादा होगी तो केस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बीमारी है कि आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, कुछ पल के लॉकडाउन कर आप इस बीमारी पर क्या बोल सकते हो, विजय पा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलेगा, बिजनेस खुलेगा, तो बीमारी बढ़ेगा। लेकिन कम से कम हर एक सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि लोग मरे ना। जैसे कुछ दिन पहले आप एग्जाम्पल ले लो, सिक्किम, गोवा, केरला, केरला में तो केस बहुत कम हो गया था लेकिन अभी केस बढ़ रहा है। सिक्किम में एक भी केस नहीं था इतने दिनों से, अभी सिक्किम में केस आ गया। गोवा फ्री था, गोवा में केस आ गया। त्रिपुरा फ्री था, त्रिपुरा में केस आ गया। तो केस तो आएगा क्योंकि बीमारी ही ऐसा है, लेकिन ध्यान ये रखना है लोग मरे कम।
तो महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा मरने का प्रतिशत जो सबसे ज्यादा है वो गुजरात में है। गुजरात में कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वहां का, वो तक फटकार लगा रहा है कि आपका व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। वेंटिलेटर का घोटाला किया गया, जिसके वजह से डॉक्टर डेली चिल्ला रहे कि 300 लोग मारे गए। ये सुप्रीम वहां के हाई कोर्ट का नोटिस है, लेकिन मीडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे ना गुजरात हाई कोर्ट का, तो वहां पर आप सभी देख पाएंगे। लेकिन पता नहीं मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और गैरलाल जोन में बांटा गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र का? तो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अगर बात की जाए कि वहां का राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित विश्व के नेताओं में से कौन कोविड 19 के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि ये अब ले रहे हैं, ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, बेनी गेटिज ने किस राष्ट्र के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझ लेना। कल मैंने आपको समझाया था इसराइल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ वैकल्पिक यानी अल्टरनेट प्रधानमंत्री ने भी शपथ लिया है। अगर उनको कुछ हो जाए तो ये दोबारा से पद संभाल सकते हैं उनके जगह पर। तो पहला प्रश्न आपका आज यहीं से निकल कर आ रहा है कि अभी वर्तमान में स्थायी रूप से इसराइल का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वहां का मुद्रा क्या है, और वहां पर राजधानी ये क्या है। तीन चीज आपको इसराइल के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 मई का। इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा। सो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।